सुमित की देख लो हालत के बनाती। हम थोड़ी खेले नहीं, मेरे साथ तो खेले नहीं, आते ले अकेले खेल रही है, देख लो उनकी मजे। बीज भी गया, बीज भी गया, भीग भी रहा सर। नहाओ जल्दी, चाय बनाती हूँ मैं तब तक। लो क्या हो गया, लगाओ, लग गई देखो तो, फिर पीछे बिठा दे क्योंकि तो बच गई थी। बढ़ा दी थी, जिसकी प्रैक्टिस हो जाना रोज वो तो सही लगा दे। किसकी है गाड़ी? अच्छा अच्छा अंजू दीदी आई ना है, तो उधर कर दे, उधर लगानी उस गेट में से। ये देखो आज मैंने क्या साफ सफाई छेड़ दी है, जूतिया के रैक है ना जो, इनकी सफाई कर रही हूँ, और जो बिना पहनने वाले वही निकाल दिए, और अभी उस रैक के तो बाकी रह रहे बिना पहनने वाले, जो जूते चप्पल है ये कैसे देख लो कैसे बिखेर रखा, तो इसकी भी सफाई कर ली। इसकी सफाई तो हो गई, बस थोड़ा सा जचाना बाकी है उसने, और इसके अभी मेरे को निकालने हैं कौन से नहीं पहनने वो वाले जूते जूते चप्पल, वो टाइम लगेगा, अभी कर लेती इसकी साफ सफाई। और जो नाच पहनने वाले चप्पल जूते हैं ना, जो मतलब ऐसे ही रखे थे कई कई सालों से, हमने पहनने ही नहीं थे, तो उनका हमने थैला भर दिया है, ये दे देंगे किसी को। और ये देखो रैक भी हम मैंने दोनों ही साफ़ कर दिए, अच्छे से जचा दिए हैं, ये अभी तो मैंने सही जचा दिए, लेकिन जब पहनेंगे ना तो ऐसे ही उलट पुलट फिर कर देंगे। ये वाला रैक है ना, इसके हम कम निकालते हैं, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन वो दूसरे वाला है ना, वो तो ऐसे ही थोड़े बहुत दिन में फिर से ऐसे ही अलट पलट हो जाता है, थोड़े थोड़े दिन में साफ़ करना पड़ता है। तो दोनों ही रैक मैंने अच्छे से साफ करके और अच्छे से चप्पल जूते जचा दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी दोपहर हो गई है, दोपहर में अभी मैं नहाई धोई हूँ, आज तो सुबह से ही सफाई में लगी हुई हूँ, नाश्ता भी नहीं बनाया मैंने, सुबह बस फ्रूट खाए थे, और फ्रूट खाने के बाद अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है, इतनी तेज़ भूख लगी हुई है ना। आज मैं ये जूतों के रैक थे ना हमारे दोनों, ये साफ़ करने में लग गई, और बस और भी साफ़ सफाई की ना इतना टाइम लग गया उसमें। और एक बार साफ़ सफाई में लग जाते हैं ना फिर तो ये होता है ये भी कर लो ये भी कर लो, इसके बाद ही खाना खाएंगे। और बस ये काम करते करते दोपहर हो गई, अब मैंने सोचा भाई पहले नहा धो के आ जाती हूँ और उसके बाद फिर लंच बनाऊँगी और फिर खाऊँगी। तो बस अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ। और ये है ना, मैंने सोफ़ों के देखो कवर तो हटा दिए सारे, धोने के लिए मशीन में डाल दिए, इस बेड की बेड शीट भी, लेकिन बिछाए नहीं, अभी बिछाने में टाइम लगेगा, आज नए वाले कवर बिछाएंगे ना तो दिखाऊंगी मैं आपको कैसे लग रहे हैं नए वाले। और नए वाले कवर है ना थोड़े मेरे को वो जलाने पड़ेंगे, या तो पिको कर लो या जला लो थोड़े थोड़े उनको मोमबत्ती के साथ, तो वो जलाने पड़ेंगे, उनमें टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने अभी नहीं बिछाए, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहले लंच बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं सोफ़ा के कवर बिछाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लग रहे हैं सोफ़ा के कवर। तो चलो पहले अभी फटाफट खाना बना लेती हूँ। और लंच भी मैंने बना के रेडी कर दिया है, तो आज लंच में मैंने बनाई है दाल और राइस बनाई है, और साथ में दही भी है, सैलेड भी है, और दोनों तरह का आटा गूंथ लिया है, मतलब गेहूँ का भी और मल्टीग्रेन का भी। अभी तो है ना मैं ही मल्टीग्रेन की रोटी खाने लगी, मेरे को गेहूँ की रोटी खाए कितने दिन हो गए, 10 दिन के आसपास हो गए होंगे, मतलब मैंने गेहूँ खाया ही नहीं है। खाना पीना तो हो गया है, और अभी मैंने ना सोफों के कवर निकालिए नए वाले, दोनों अभी लेके आए थे ना आपको दिखाए भी थे, तो ये दोनों निकाले, मैं सोच रही थी इनमें से बिछाऊं कौन से, पहले तो मैंने ये निकाल लिए थे, पर फिर मैंने बेड शीट निकाली ना ये जो दीवान पे बिछेगी, तो इसका कलर इनके साथ मैच हो रहा है ना, देखो एक जैसा कलर है दोनों का, तो मैंने सोचा इस बेड शीट के साथ तो मैं यही वाले सोफे कवर बिछा दूं। और अभी तो ये कपड़े पड़े हैं मेरे तय करने, इनकी भी तय करनी है मेरे को, अभी तो और भी बहुत सारे काम है, तो बिछा लेती हूँ अपने सोफों के कवर। और ये जुड़े हुए हैं सोफों के कवर, तो मेरे को ये काट के अलग करने हैं, दो एक जैसे करने हैं और एक सिंगल निकालना है इनमें से, ये पूरे जुड़े हुए हैं देखो, और फिर काट के ये वाली चीजें है ना ये जलानी है देखो, ये वाली, या तो इनको पिको कर लो या फिर इनको जला दो मोमबत्ती से, तो देखते हैं क्या करेंगी मम्मी, क्या करेगी, पिको करेगी या मोमबत्ती से जलाएगी, लेकिन मैं तो अभी काट के ऐसे ही बिछा देती हूँ, बाद में देखेंगे इनका क्या करना है। तो अभी दो पीस एक साइड के अलग कर लेती हूँ, आ गई मेरी कैची, काट देती हूँ, ऐसे ही जुड़े हुए मिलते हैं ये उधर, जितने भी पीस लेने हैं सारे ऐसे जुड़े हुए मिलेंगे, अपना फिर खुद से काट के अलग कर लो। तो ये दो पीस अलग हो गए, और मेरे को एक पीस एक उस चेयर के लिए चाहिए जो उधर रखी है, तो इसमें से मैं एक पीस और काट लेती हूँ,
सीधा कर लूं नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा कट गया है ना, मुश्किल हो जाएगी। ये सही है। ये एक पीस हो गया, तो ये तो दोनों साइड से ही जलाना पड़ेगा या फिर पिको करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके देखो ये धागे निकलने शुरू हो गए अभी से, तो ये धागे निकल जाएंगे नहीं तो नहीं जलाएंगे तो इसको। लेकिन आज मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ, बिछा देती हूँ, क्योंकि मम्मी के पास अभी टाइम नहीं है, मम्मी गई है सूट दिखाने, तो अभी तो फिलहाल के लिए तो बिछा ही देती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये देखो बिछा दिए हैं मैंने, ये देखो बेड शीट सोफों के कवर मैच हो गए ना, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा कलर तो मैच हो ही रहा है, सुंदर तो लग रहे हैं। तो अभी ड्राइंग रूम की पूरी सफाई हो गई, पूरे सोफों के कवर मैंने बिछा दिए, डस्टिंग वस्टिंग सब वो तो सुबह ही कर दी थी, और जो ये एक पीस अलग किया था ना ये इस चेयर के लिए किया था, ये भी मैं हमने उन सोफों में से ही निकाल रखी है, यहाँ की चेयर है ये इधर की, क्योंकि ये जगह ही नहीं बच रही थी, वो दरवाजा नहीं खुल रहा था उधर, तो इसलिए हमने बीच की एक चेयर निकाल के यहाँ रख दी। तो ये भी सही लग रहा है। तो ये जूती कैसी लग रही है, वैसे तो सुंदर है, ये हमारी ऊपर वाली किराएदार ने मंगाई है, लेकिन पता नहीं उसको फिट आई क्या हुआ, तो वो कह रही थी कि मेरे को वापस देने हैं, तो इसलिए इधर रख गई वो, तो बोले वापस कर देना इनको, वैसे तो सुंदर लग रही है ना हील वाली। और मैंने अभी काट लिया है मेरे और मम्मी के लिए तरबूज, इस सीजन का पहला तरबूज है, और पहले भी हम एक बार लेने की सोची थी पर मम्मी बोली अभी मीठे नहीं निकलेंगे, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तब मीठे निकलते हैं, लेकिन अभी मैं और सुमित गए ना तो उस दिन मैं ले ही आई, क्योंकि भैया ये बोले कि मीठे निकल रहे हैं, वहाँ चलो ले लेते हैं, और सही में इतना मीठा था, मतलब गर्मी में जब वो लू पड़ती है ना तब भी एक आधा तरबूज ऐसा निकलता है बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल मीठा नहीं होता, लेकिन इस टाइम पर ये तरबूज तो बहुत मीठा था और बिल्कुल लाल था। और ये वाले जूते देखो, ये हैं सुमन आंटी के, तो सुमन आंटी ने मंगवाए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और कलर भी देखो कितना सुंदर है ना, तो मम्मी को भी बहुत पसंद आए और आंटी को भी बहुत पसंद आए, वैसे आंटी का और मम्मी का सेम नंबर है, तो हाँ 6 नंबर वैसे है ना, मतलब मोस्टली सबका ही मिल जाता है, कॉमन सा होता है ना 6 नंबर, तो ये जूते आंटी ने मंगवाए हैं अपने लिए। और अभी सुमन आंटी आ गई है, तो मैं मम्मी और सुमन आंटी को पानी दे आती हूँ, पार्क में घूम के आई है, पार्क में घूम घूम के प्यास तो लग ही जाती है, तो अब मम्मी तो जा नहीं पाई आज, क्योंकि सुमन देखने वाली आ गई थी ना, तो मम्मी तो सुमन दिखाने लग गई पानी। थैंक यू। चाय बन गई है, आंटी तो चाय पी नहीं रही क्योंकि पार्क में घूम के आई है अभी, तो मम्मी को दे देती हूँ, आंटी ये सारी चीज़ें खा लेंगी। और ये वाला बोर्ड भी बन के आ गया है, जो हॉस्पिटल के ऐसे बाहर नहीं रखते हैं, तो अभी तो यहीं रखा है, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो ये हॉस्पिटल के बाहर रखा जाएगा। और अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और मेरी मशीन अब तक चल रही है, मेरे कपड़े धुल रहे हैं अभी तक, ये देखो अभी तक मशीन चल रही है। अभी अपने हॉस्पिटल में आए सुमित यहीं थे, पर मेडिकल स्टोर पे कोई कस्टमर आ गए थे तो उनको दवाई देने के लिए चले गए, आज फार्मेसी सुमित संभाल रहे हैं ना, और ये देखो कैसे बिखेर रखी हैं सारी दवाइयाँ। चलो अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ, अकेली क्या करूँगी, अकेली का मन नहीं लगता, लाइटें कर देती हूँ बंद और वापिस जाती हूँ घर। सुमित का नंबर आज फार्मेसी में लगा है, डॉक्टर साहब खाना क्या खाओगे, देख कोई दवाई दे दो बढ़िया सी। पूरा ही दिन मेरा काम में चला गया, मेरी मशीन अब तक चल रही है और अभी शाम का खाने बनाने का टाइम हो गया, और आज सुमित बोले कि गोभी की सब्जी बना लेना, और कल मैं और सुमित जब सब्जी लेने गए ना तब गोभी लेके ही नहीं आए, तो मेरे को अभी जाके गोभी भी लेके आनी है। और ये देखो ढेर सारे अभी बर्तन पड़े हैं कितने सारे, तो ये भी साफ करूंगी और खाना बनाऊंगी, तो आज तो पूरा ही दिन में काम में लगी हुई हूँ, फुर्सत नहीं मिली है मेरे को बिल्कुल भी। चलो अभी मैं भाग के दुकान से गोभी ले आती हूँ और फिर आके बनाती हूँ आलू गोभी की सब्जी, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।